जीत की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमने अपना हलवाई बुला लिए है और बाहर जो कार्यालय के बाहर बोर्ड लगेगा वो उसको बोल दिया है कि भाई हम जब जैसे आएंगे उससे पहले यहाँ विधायक हल्का पाथुगढ़ राजेश जून लिखा हुआ बोर्ड लगना चाहिए। सारी तैयारी फाइनल हो गई है। दिवाली से पहले दिवाली मनाएंगे राजेश जून की। और पहले पहले ही दिवाली मनेगी। होली मना जा दिवाली। अच्छा दिवाली तुम्हारी तो 8 तारीख न मनेगी। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज चुनाव की गिनती से एक दिन पहले आए हैं बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी भाई राजेश जून के कार्यालय में। क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा माहौल है, कैसी लोगों के दिल में खुशी है, आइए बात करते हैं सीधा राजेश जून जी से। राजेश सर स्वागत है मेरी पहचान चैनल में आपका। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद है, आपका भी स्वागत हमारे कार्यालय में। अच्छा सर, कैसा रहा वोटिंग का माहौल 5 तारीख को? देखो वोटिंग का माहौल तो मेरी समझ बहुत अच्छा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 36 बरादरी ने अपनापन दिखा के भाईचारा बना करके इलेक्शन लड़ा, बहुत ही सुख शांति का शांतिप्रिय इलेक्शन लड़ा और वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही, बहुत अच्छा रहा। अच्छा ऐसा लगा 5 तारीख को जैसे आप तो सब जगह घूमे होगे, हर बूथ पे गए होगे लगभग, तो कुछ ऐसा लगा कि भाई जो बाकी प्रत्याशी उनमें कोई टक्कर दे रहा आपको? हमें नहीं लग रहा कि किसी के साथ मुकाबला है। जनता ने इस बार मन बना लिया था कि भाई राजेश जून के साथ जो राजनीति ने धोखा किया है, राजेंद्र जून ने जो धोखा किया है, तो इस बार राजेश जून की मदद करेंगे। तो लोगों ने खुल के इस बार ज्यादातर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में मेरा समर्थन ज्यादा था। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मुकाबला लग ही नहीं रहा है, एक तरफा अपनी जीत दिखाई दे रही है, तो जीत की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमने अपना हलवाई बुला लिए है और बाहर जो कार्यालय के बाहर बोर्ड लगेगा वो उसको बोल दिया है कि भाई हम जब जैसे आएंगे उससे पहले यहाँ विधायक हल्का पाथुगढ़ राजेश जून लिखा हुआ बोर्ड लगना चाहिए। सारी तैयारी फाइनल हो गई है। अच्छा सर, आप एक राजनीति के अलावा एक समाज सेवी के रूप में ज्यादा जाने जाते हो, 10-15 साल से हम देख रहे हैं। नहीं मतलब हम बहुत छोटे होंगे शायद उस टाइम, आप 30 साल कह रहे हो, तो राजनीति में आने के बाद सर काफी अब जैसे मदद कर रहे होगे हजारों की, फिर काम करवाने होंगे लाखों आदमी हो जाएंगे आपकी विधानसभा में, तो समाज सेवा के लिए समय निकाल पाओगे? देखो वक्त हर चीज सिखाता है इंसान को। जहां जीरो से चल के आज एमएलए के पद पे आ गए हैं, ऐसे एमएलए के पद कभी आज तक के जीवन में अच्छा काम किया है, तो एमएलए के समय भी में भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे। जो अभी सब मेरी वोट थोड़ी दी है अभी, लेकिन जिसने मेरी वोट नहीं दी उनके मुंह से निकलवाऊंगा, विधायक हो तो राजेश जून जैसा हो। अच्छा सर, जैसे हमने सुना था कि पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, ये अभी चुनाव के दौरान हमने सुना था, क्या राजेश जून जी जीतने के बाद, देखिए आपकी तो वोटर हैं जो भी हैं, वो ये फैसला लेते कि सर आप वापस से पार्टी में जाइए, कांग्रेस का दामन थामिए, तो क्या आपने वोटर की बात मान के आप कांग्रेस का दामन थामेंगे? ऐसा भाई, आपने 2005 का चुनाव याद है, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट आई थी? मेरे ख्याल से 67 आई थी हरियाणा में। हरियाणा में अच्छा जी, 2005 में कांग्रेस पार्टी की 67 सीट आई थी। बादली विधानसभा से छत्र सिंह, पहलवान छत्र सिंह को टिकट दे रखी थी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, और नरेश शर्मा जी बादली से इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और छत्र सिंह जी के पक्ष में हुड्डा साहब पूरा परिवार उस समय भी वहां भी खूब मदद करी थी छत्र सिंह जी की, और निर्दलीय एमएलए बने नरेश शर्मा बने जी, उनको भी पार्टी ने निष्कासित किया था, और निर्दलीय बन गए, निष्कासित कर रखे थे, बनते पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लिया, 67 एमएलए होते हुए लिया और अगली बार टिकट दी उसको, ये निष्कासित उसकासित ये सब फॉर्मेलिटी। भाई मेरे, पार्टियों ने अपना भविष्य देखना पड़ता, पास्ट की चिंता नहीं करती पार्टी, भविष्य में यहाँ पार्टियों ने कमेटी का इलेक्शन भी लड़ना है, ये लोग ही तो कमेटी बनाएंगे,
आगे लोकसभा का भी लड़ना है, ये लोग ही तो जिताएंगे, किस पे जिताना है? ये निष्कासित वस्कासित ये फॉर्मेलिटी है, ये कुछ नहीं है, हो गई आज से पहली होली, आगे कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे एक बच्चों वाली बात पूछता हूँ, जैसे 10वीं 12वीं के जब बोर्ड के पेपर देते हैं तो रिजल्ट से पहले थोड़ा सा आदमी वो कहते ना भाई दुकड़ चुकड़ सी हो रही है, तो उस तरह का कुछ फीलिंग है? देखिए फीलिंग ये है कि हम मार्जिन को नहीं क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, भाई मार्जिन 25,000 का आएगा, 30 का आएगा, 20 का आएगा, 15 का आएगा, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हार जीत का तो कोई हमारे किसी साथी के मन में ही नहीं है, हम तो जीते पड़े हैं, लोगों ने जीता है, लोगों ने बड़ा भरपूर आशीर्वाद दिया है, 36 बरादरी ने राजेश को वोट दी है, खुद इलेक्शन लड़ा है लोगों ने खुद इलेक्शन लड़ा है मेरा, तो हम तो अच्छी वोटों से जीत रहे हैं और आने वाले 5 साल में माधव डलते के लिए बहुत अच्छी मेहनत मैं करूंगा, मेरे साथी करेंगे, हम लोगों की सेवा अपनी तरफ से भी करेंगे, सरकार की तरफ से भी करेंगे, जो लोग वंचित रह जाते थे अपने हकों के लिए उन लोगों को वंचित नहीं रहने देंगे, जिसका जिसका हक उसके उसके पास पहुंचाएंगे। जैसे हमने आपके हलके में तकरीबन 20-21 गाँव को कवर किया था, उनमें मुख्य समस्या एक है और ये अपने मतलब आसपास के गांवों के ही हैं सारे, सब ने मोस्टली सर एक समस्या बताई कि एक तो है ना हर गांव में जल भराव रहता है बारिश के टाइम में ज्यादा, और एक जैसे मैं बात करूं बराई गांव की, वैसे कई गांव में है लेकिन रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल ध्वस्त है, खत्म है। तो मैं इन गांव वालों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर भगवान आपके सर पे आशीर्वाद देता है, विधायक बनते हैं तो इस काम को सर थोड़ा प्रायोरिटी मैं पूछता हूँ, चलो दोगे? देखो विलेज टू विलेज जो गांव है मार्केटिंग बोर्ड के अंदर आते हैं, अभी तो मैं विधायक बना नहीं हूँ, लेकिन कल ही जो कल जा चुका है, कल मैंने मार्केटिंग बोर्ड के एससी साहब से बात कर ली है, हम बहुत ही जल्दी एक हफ्ते के अंदर अंदर पहले इस फर्स्ट वीक में मार्केटिंग बोर्ड के जो गाँव से गाँव रोड टूटे पड़े हैं मेरे पहली नजर वही है, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर में इसमें कार्रवाई शुरू कर दूंगा, इसमें एस्टिमेट बनेंगे, पास होंगे, फिर टेंडर निकलेंगे, प्रक्रिया है, प्रक्रिया में टाइम लगेगा, वो तो कम से कम 3 महीने लगेंगे, ये मजबूरी है, लेकिन आप समझो कि हम इनको बहुत जल्दी सबसे पहला टारगेट, मैं तो कल बात कर ली, जो विलेज टू विलेज जो रोड टूटे पड़े हैं, मैंने कल अपने चंडीगढ़ भी बात कर ली, पहले जज्जर बात करी, फिर चंडीगढ़ भी बात करी, कल हालांकि पर्सनल फोनों पर बात हुई थी, संडे का दिन था, तो ये काम बहुत जल्दी सबसे प्रायोरिटी होगा। चलिए थैंक यू सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। तो ये थे राजेश जून जी, जो अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित हैं, काफी कॉन्फिडेंट हैं, और हो भी क्यों ना, क्षेत्र की जनता का प्यार इन्हें शायद इतना मिला है कि इनको विश्वास है कि इनकी जीत कल पक्की होगी। ये भाई राजेश जी से तो हमारी बात हो गई है, और कार्यालय में ये और कुछ बैठे हैं कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, इनके चाहने वाले हैं, इनसे और पता कर लेते हैं। अंकल जी कल गिनती होगी, 5 तारीख ना आप भी घूमे होगे साथ में, कैसा माहौल था उस दिन? भाई हम पूरे इलेक्शन में सारे गांव हमारे सारे शहर में जगह जगह जा रहे हैं, बहुत तगड़ी वोटा जीत रहा है। अच्छा तैयारी कैसी चल रही है फिर? गजब की तैयारी चल रही है, मन ने काम आदमी आम जनता के मतलब तैयारी फल तैयारी। अभी अंदर राजेश जी तो बात हो जाए, देखो हलवाई बैठा रखे हैं। हाँ बिल्कुल बैठे हैं, हलवाई आदमी बैठे हैं, और मान ले पहले ही बैठे थे, हलवाई बैठे रहे हैं। जज्जर में गिनती होगी, उड़े बेरा पाट से आटे ढोल डाल। हाँ सारे ठाट लाऊंगे यार, तो पहले ही मतलब अपनी मुंह मीठे कर दिए, ठाट पाट तो पहले ही चल रहे हैं। हाँ पक्की क्या कर रहे थे भाई साहब? हम उनके साथ थे, आगे उड़े थे ढोल नगारे बज जाएंगे हमारे, तो सारे उड़े थे कन्फर्म हो जाएंगे भाई। नहीं मैसेज तो करना पड़ेगा ना, अभी मैसेज तो मैसेज तो जी सबके दिल में बैठा पड़ा है, इतना सबके दिल में मैसेज हो रहा है। फिर क्या लग रहा है, जीत की तैयारी कैसी है? तैयारी जीत की ऐसी है, दिवाली से पहले दिवाली मनाएंगे राजेश जून की। अच्छा पहले ही दिवाली मनेगी? होली मना जा दिवाली। अच्छा जी हमारी तो 8 तारीख न मनेगी। वैसे दिवाली तो मन ली थी, आप लेट आए हो, मिठाई तो बटली और उस दिन आओगे ना और मिलेगी आपको। हम तो आज इसलिए आए थे भाई, जैसे न्यू आगरा भाई 10वीं का पेपर दे रखे, 12वीं का भाई रिजल्ट आऊगा, एक दिन पहले के धोखड़ चुकड़ चल रही है, एक रिकॉर्ड और टूटेगा, एक रिकॉर्ड और टूटेगा, निर्दलीय है भारी मतों से यहाँ से पढ़ के जाएगा।
अच्छा हाँ ताऊ ताऊ सुनो एक सवाल मेरे मन में और आ गया। जैसे हमने न्यू सुनी है बहादुरगढ़ ताश तक कोई भी निर्दलीय नहीं जीतता है, यो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है आज तक कोई नहीं जीतते हम मतलब जो जी आज तो उत्सर्जन हो रही है जिन पर्चा भरण गए, ये तो स्कॉलरशिप की उम्मीद है। अच्छा स्कॉलरशिप की उम्मीद है तो फिर मतलब जीत जाएंगे तो कोई मंत्रालय मंत्रालय की मांग करोगे उड़ा सरकार है। वो तो देखो खुद मजबूर हो जाएंगे देने के लिए। हमारा भाई साहब है ही ऐसा इतना मेहनती समाज सेवी काफी बिल्कुल नाम नहीं है सर ये करते हैं समाज सेवा रियल में करते हैं। आज ही भाई साहब बम पटाखे लिया है के कल आज ले आवेंगे ले आए जी ले आए पूरे सुबह भाई साहब केला का गिनती में गिनती होगी काल गिनती में किसी का डर नहीं है कि वो आग लग जाए। कोई भी डर कौन है एक तरफा मारा है माहौल राजे सुन का पति फुल पूरे हल्के में। अच्छा जी आपको क्या लग रहा है नेता जी बिल्कुल देखो गेटअप भाई साहब का बढ़िया जीत में बैठे फुल कॉन्फिडेंस फुल। अच्छा हाँ जी साहब अरे छोरे मोती चोर के लड्डू बनवा रखे पहले खाली चक्कर की दुनिया बैठे एडवांस में बुढ़िया बढ़िया बनवा रखे बैठे जिसमें न्यू वर्क हम आ रहे ये दुनिया ये इस ऑफिस में तो दूसरे ऑफिस में जाके देखो जब मक्खी भी पा जाता हमने बता दिया जनता बैठी है मैडम जिसकी जो च्वाइस है ना मोती चूर के उन्हें कह दी कि हलवा मूंग का पाओगा कि रसगुल्ला के डब्बे पाओगे साग पूरी मटर पनीर शाही पनीर दाल मखनी जो चाहिए वो पाओगे। मतलब भाई साहब मिठाई की भी और चरचरे की भी कई कई वैरायटी भाई यो इस हल्के का जो यो भाई सर राजेश जोन है 40,000 बना का भाई सर आठ इन्ना तो कटाई उतरी और ना उतरे और ना मारे यो नो ट्रक का ला रहेगा जिन नडर से वो अपने घर बैठे है और हम अपना अडब रोड के ऊपर कितने अपने ऑफिस में बैठे हैं। तो भाई ये जो है ना राजेश जून जी से बात करी ना उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट उनके वोटर सपोर्टर चाहने वाले लग रहे हैं। पूरा जोश पूरा उमंग है इन आदमियों में और कल के लिए कह रहे हैं भाई मिठाई भी कई तरह की सब्जी भी कई तरह की पटाखे बम। एक भाई तो कह रहे हैं दिवाली से पहले कल दिवाली मना दी जाएगी पूरा। हाँ जी रिकॉर्ड टूटेगा निर्दलीय भारी मतों से बढ़ेगा। अच्छा एक ये बात कह रहे हैं कि भाई आज तक बहादुरगढ़ में कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीता है तो ये भी एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और दूसरा रिकॉर्ड उसके साथ साथ एक और बनने जा रहा है कि इतनी वोटों से भी कोई नहीं जीता होगा। हाँ जी और भाई से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है 10 मिनट बैठ के जाइए पेपर फिक्र में कहते मुंह चढ़ जा। तो भाई इसी के साथ मेरी पहचान चैनल से मैं इस वीडियो को ही समाप्त करना चाहूंगा अपने साथी दीपक के साथ। मैं ललित भारद्वाज जय हिंद जय भारत जय भाद्रगढ़।